नमस्कार दर्शकों, मैं हरीश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे वर्ष 2025 के बारे में। वर्ष 2025 मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है? वर्ष 2025 में बड़े बड़े बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। 12 वर्ष के बाद गुरु राशि परिवर्तन करेंगे और गुरु 2025 में 3 बार राशि परिवर्तन करेंगे, जबकि गुरु एक वर्ष में एक ही बार राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन 2025 में 3 बार राशि परिवर्तन करेंगे। शनि 30 वर्ष के बाद राशि परिवर्तन करने वाले हैं। राहु केतु 18 वर्ष के बाद राशि परिवर्तन करने वाले हैं। तो इन ग्रहों का जो विशेष परिवर्तन है 2025 में मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, विस्तार से हम जानेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं 2025 जनवरी महीने की कुंडली है, और हम बात करेंगे 4 बड़े ग्रहों के बारे में, क्योंकि 2025 में इन 4 बड़े ग्रहों का जब राशि परिवर्तन होगा तो विशेष रूप से प्रभाव देखने को मिलेगा। अन्य जो ग्रह होते हैं वो हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं, कोई 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करता है, तो कोई 1 महीने में, तो कोई 1.5 महीने में। लेकिन ये तो 4 ग्रह, ये बड़े ग्रह माने जाते हैं और लंबे समय के बाद राशि परिवर्तन करते हैं। जैसे गुरु जो है एक वर्ष में राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन जैसे गुरु वृषभ राशि में अभी गोचर कर रहे हैं तो वृषभ राशि में आने के लिए 12 वर्ष का समय लगता है। अब जैसे गुरु जो है मिथुन राशि में आ जाएंगे मई के महीने में, तो मिथुन राशि में जब गुरु आएंगे तो ये जो संयोग बनेगा ये 12 वर्ष के बाद बनेगा। ऐसे ही शनि मीन राशि में आ जाएंगे और मीन राशि में शनि 30 वर्ष के बाद जो है आ रहे हैं। राहु केतु 1.5 वर्ष में जो राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन यही केतु सिंह राशि में तीसरे भाव में 18 वर्ष के बाद आएंगे, और राहु जो है ये जो है कुंभ राशि में 18 वर्ष के बाद जो है पुनः जो है कुंभ राशि में राहु का गोचर होगा। वैसे तो ये 1.5 वर्ष में राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन एक राशि में जाने के लिए, पूरी राशियों का भ्रमण करने के लिए, पूरे भावों का भ्रमण करने के लिए राहु और केतु को 18 वर्ष लगता है, गुरु को 12 वर्ष और शनि को 30 वर्ष। शनि को सबसे ज्यादा जो है टाइम लगता है, और वैसे साधारण राशि परिवर्तन के लिए भी शनि को 2.5 वर्ष का समय लगता है, और शनि का प्रभाव भी सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। और इन्हीं ग्रह का, ये जो 4 ग्रह यही प्रमुख माने जाते हैं और आने वाले समय के लिए यही ग्रह बताते हैं कि आपका समय कैसा रहने वाला है। अब गुरु सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। गुरु इसलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं वो गुरु पूरा करते हैं। जैसे कि गुरु धन के कारक है, धन की जरूरत पड़ती है, शिक्षा के कारक है, ज्ञान के कारक है, संतान के कारक है, विवाह के कारक है, वैवाहिक जीवन के कारक है, तो ये डिपार्टमेंट गुरु के पास है। गुरु यदि अच्छा है पूरे वर्ष भर तो ये सब जो है आपको लाभ मिलेंगे इन क्षेत्रों में, और गुरु यदि खराब है तो इन क्षेत्रों में आपको परेशानी देखने को मिलने वाली है। शनि जो है ये आपके नौकरी के कारक है, आपके कर्म के कारक है, आपको नौकरी में व्यापार में क्या ग्रोथ मिलने वाली है, आपका कर्म कैसा रहने वाला है, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, शनि आपको बताएगा। राहु और केतु ये अकस्मात फल देने का काम करते हैं। यदि ये अच्छे हैं तो ये बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं, अकस्मात जो है लाभ देने का काम कर सकते हैं, या राहु केतु आपकी किस्मत को बदलने का काम कर सकते हैं, खराब है तो ये किस्मत को बर्बाद करने का भी काम कर सकते हैं। तो राहु केतु जो है ये एक अलग ग्रह जो कि अलौकिक है, अकस्मात जो है या एंड टाइम पर जो है लाभ दे देना, कम समय में बड़ा लाभ दे देना या कम समय में बड़ा नुकसान कर देना, ये जो है राहु केतु की स्थिति रहती है। इन चारों ग्रह के बारे में यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति 2025 में यदि हम बात करें तो 12वें भाव में जनवरी से लेकर के मई 14 तक, 14 मई 2025 तक 12वें भाव में ही गोचर करेगी, और ये फरवरी 2025 तक वक्री रहने वाले हैं। तो मिथुन राशि वालों के लिए जो गुरु वक्री है
अक्टूबर महीने से 2024 से और फरवरी 2025 तक, लगभग 4 महीनों के लिए। तो ये आपके लिए बढ़िया है। बढ़िया इसलिए है क्योंकि ये पिछले भाव के फल देंगे, लाभ भाव के फल देंगे। तो फरवरी तक जो है बृहस्पति की स्थिति आपके लिए बेहतर है और बृहस्पति आपकी कुंडली में कैरियर के मालिक है। इस कारण से फरवरी 2025 तक जो है बृहस्पति कैरियर में अच्छा लाभ देने का काम कर सकते हैं। अचानक बदलाव करने का काम, नौकरी में प्रमोशन, व्यापार में वृद्धि करने का काम करेंगे और वैवाहिक जीवन के भी मालिक है। तो फरवरी तक लाभ भाव के फल देने के कारण विवाह का जुड़ जाना, विवाह हो जाना, दाम्पत्य जीवन सुधर जाना और व्यापारिक स्थिति आपकी बढ़िया होना। तो ये स्थिति को फरवरी 2025 तक सुधारेंगे और उसके बाद जो है मार्च, अप्रैल और मई के महीने में तो ये मिथुन राशि में आ जाएंगे। तो 2 महीने जो है 12वें भाव के फल देंगे, खर्चे भी खूब करवाने का काम करेंगे, हॉस्पिटल के चक्कर भी लगवाने का काम करेंगे और जो है विदेश की यात्राएं भी करवाने का काम करेंगे। तो ये समझ जाइए कि अभी फरवरी 2025 तक गुरु की स्थिति आपके लिए बेहतर है। गुरु जो है कैरियर में अच्छा लाभ देने का काम करेंगे, आपके वैवाहिक जीवन और व्यापार में अच्छा लाभ देने का काम करेंगे। इनकी जो दृष्टि है 1, 2, 3, 4, 5, पांचवी दृष्टि चौथे भाव में होने के कारण भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान और वाहन का सुख मिल सकता है या अचानक जो है आप खरीद सकते हैं। इनकी सप्तम दृष्टि छठे भाव में है जो कि रोग, ऋण और शत्रुओं को समाप्त करेंगे, कंपटीशन में सफलता देने का काम करेंगे। और इनकी नवम दृष्टि जो है अष्टम भाव में है जिससे अचानक लाभ हो जाना, रिकवरी आ जाना या फिर जो है ससुराल पक्ष से संबंध जो है मजबूत बनना, ये स्थितियां जो है बनेगी और इन क्षेत्रों में गुरु अच्छे लाभ देने का काम करेंगे। लेकिन यही गुरु 14 मई 2025 को आपकी राशि मिथुन राशि में आ जाएंगे और यहाँ पर लगन भाव में गुरु सबसे अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। पहले तो ये आएंगे, स्वास्थ्य को बेहतर करेंगे, स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहेगा, कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा रहेगा, प्लानिंग यदि आप कोई बनाते हैं उसमें सफलता देने का काम करेंगे। और लगन भाव में जब भी गुरु का गोचर होता तो कई सारे दोषों को अपने आप समाप्त कर देते हैं, छोटी मोटी परेशानियों को अपने आप समाप्त कर देते हैं। और यहाँ पर बैठने के कारण कैरियर के लिए सबसे समय अच्छा रहने वाला है क्योंकि लगन भाव में जब भी कोई ग्रह बैठता है तो वो फलों में वृद्धि कर देता है और उसको स्थान बल मिल जाता, अचानक जो है बढ़ोतरी हो जाती है फलों में, अचानक बड़े बड़े लाभ देखने को मिलने लगते हैं। तो लगन भाव सबसे महत्वपूर्ण भाव माना जाता है। आपकी राशि में गुरु जो है 14 मई को आ जाएंगे जो कि 1 साल तक यहाँ पर गोचर करेंगे, हालांकि बीच में जो है राशि परिवर्तन करेंगे। जैसे कि देखा जाए मई के महीने में मिथुन राशि में आएंगे और अक्टूबर के महीने में 18 अक्टूबर को ये आ जाएंगे धन भाव में, कुछ समय के लिए जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे क्योंकि धन भाव में ये उच्च राशि में हो जाएंगे और ये धन के कारक भी है। तो ये जो आपको बीच का समय मिलने वाला है, समझ जाइए अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक, अब ये अक्टूबर के महीने में 18 अक्टूबर को उच्च राशि में आएंगे और ये 5 दिसंबर तक रहेंगे। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब समझ जाइए 1.5 महीने का जो समय है, 1.5-2 महीने का जो समय है, ये आपके लिए बहुत शानदार रहने वाला, जबरदस्त रहने वाला, क्योंकि धन भाव में गुरु उच्च राशि में गोचर करेंगे, राजसी परिणाम देने का काम करेंगे और ये मौका आपको सबसे जबरदस्त मिलने वाला है। तो ये मौका का लाभ आपको जरूर उठाना है। दूसरी बात, 14 मई को लगन भाव में आएंगे तो स्वास्थ्य, कॉन्फिडेंस देंगे, आपकी शिक्षा को बेहतर करने का काम, संतान का लाभ देंगे। यदि आप संतान के लिए परेशान थे, संतान उत्पत्ति नहीं हो रही थी, तो संतान का सुख देने का काम करेंगे, फाइनेंशियल स्थिति को बेहतर करने का काम करेंगे और साथ ही साथ जो है देखा जाए तो जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, इन क्षेत्रों से भी कहीं ना कहीं लाभ देने का काम करेंगे, लव लाइफ को बेहतर करने का काम करेंगे। वैवाहिक जीवन के भाव में गुरु की सप्तम दृष्टि होने के कारण, जबकि यहाँ के मालिक भी हैं, तो 100% जो है विवाह का योग बनेगा, वैवाहिक सुख आपको मिलेगा, व्यापारिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी, दैनिक आय में वृद्धि करने का काम करेंगे क्योंकि ये गुरु का ही घर है। और इनकी नवम दृष्टि सप्तम, अष्टम, नवम, नवम भाव में होने के कारण, भाग्य भाव में होने के कारण भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, किस्मत आपकी अच्छी साथ देगी, पिता के साथ संबंध आपकी बढ़िया रहेंगे। और कैरियर के मालिक है तो कैरियर में अपॉर्चुनिटी देने का काम करने ही वाले, मतलब कैरियर से संबंधित
कोई परेशानी आपको 14 मई 2025 से लेकर के दिसंबर 2025 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 14 मई की यदि हम बात करें, उसके पहले की यदि बात करें, तो 12वें भाव में गुरु का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है। विवाह में भी समस्याएं देने का काम करेंगे, दाम्पत्य जीवन में भी समस्या देने का काम करेंगे, व्यापार में उतार चढ़ाव भी देखने को मिलेगा और कैरियर में भी जो है कहीं ना कहीं टेंशन बना रहेगा। फरवरी 2025 से मई 2025 तक का जो समय है ये थोड़ा टेंशन वाला समय है, ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। और मई 2025 से जब लगन भाव में आ जाएंगे तो यहां पर जबरदस्त लाभ देंगे, और उसके बाद जब ये धन भाव में आ जाएंगे तो जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। 5 दिसंबर तक ये उच्च राशि में रहेंगे, उसके बाद पुनः जो है ये आपकी राशि में आ जाएंगे वर्ष के अंत में। तो मतलब जो है गुरु जो है 14 मई को जो है आपकी राशि में आएंगे और यहां पर अक्टूबर तक रहेंगे, 18 अक्टूबर को आ जाएंगे कर्क राशि में, और 5 दिसंबर को पुनः जो है ये आपकी मिथुन राशि में आ जाएंगे। तो ये वक्री हो जाएंगे, तो वक्री के कारण जो है आगे जाएंगे फिर पीछे आ जाएंगे, तो ये स्थिति रहने वाली है। लेकिन 2025 में गुरु जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे मई के बाद, ये आपको समझ के चलना है। लेकिन मई तक जो है गुरु की स्थिति उतनी बेहतर आपके लिए नहीं है, क्योंकि व्यय भाव में गोचर कर रहे हैं, नुकसान के भाव में गोचर कर रहे हैं, खर्चों के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि व्यय भी करेंगे, नुकसान भी करेंगे, खर्चों भी को भी बढ़ाने का काम करेंगे, और कैरियर के मालिक है तो कैरियर में भी दिक्कत देने का काम करेंगे। विवाह के मालिक है, वैवाहिक जीवन के मालिक है, व्यापार के मालिक है, तो समस्या देने का काम करेंगे। तो ये चीज आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि मई तक स्थिति बढ़िया नहीं है, मई के बाद जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। शनि के बारे में यदि बात करें तो शनि जो कि आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, एक अच्छी स्थिति में गोचर कर रहे हैं, अपने ही घर में गोचर कर रहे हैं, लेकिन यही शनि 29 मार्च 2025 को राशि परिवर्तन करेंगे और ये आपके कर्म के क्षेत्र में आ जाएंगे, कैरियर के क्षेत्र में आ जाएंगे, और यहां पर केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाने का काम करेंगे। लेकिन एक चीज आपको यहां पर ध्यान रखना है कि ये मार्च के महीने से लेकर के और मई के महीने तक शनि की स्थिति आपके लिए बढ़िया नहीं है। क्यों बढ़िया नहीं है? क्योंकि राहु के साथ शनि का गोचर होगा, राहु तो ऑलरेडी पहले से आपके कैरियर के भाव में गोचर कर रहे हैं, और शनि भी यहां पर आ जाएंगे, और राहु और शनि का जो कॉम्बिनेशन होता है ये दोषमय माना जाता है, इसको प्रेत दोष भी कहते हैं, इस कारण से ये दोष अच्छा नहीं माना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है मार्च के महीने से, मार्च अप्रैल और मई ये महीने अच्छे नहीं है, क्योंकि मई के महीने में जब राहु जो है कुंभ राशि में आ जाएंगे और शनि स्वतंत्र हो जाएंगे फिर अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। फिर ये कर्म के मालिक कर्म के भाव में गोचर करने के कारण कर्मों का फल देने का काम करेंगे, और जितनी आप मेहनत करेंगे शनि उतने फल आपको देने का काम करेंगे। तो शनि दशम भाव में अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। लेकिन यही है कि आपको ध्यान रखना है फरवरी के बाद जो है गुरु की भी उतनी अच्छी स्थिति आपके लिए नहीं रहेगी, और मार्च के महीने से शनि की भी स्थिति आपके लिए बढ़िया नहीं रहेगी। तो ये समझ जाइए कि फरवरी मार्च ये 2 महीने जो है और अप्रैल ये 3 महीने ये आपके लिए अच्छे नहीं रहेंगे, और 14 मई के बाद जो है गुरु का भी राशि परिवर्तन हो जाएगा और राहु केतु का भी 18 मई से राशि परिवर्तन हो जाएगा, जो कि आपके लिए सुखद रहेगा और हर क्षेत्र में सफलता देने का काम करेंगे। अब शनि दशम भाव में गोचर करेंगे, ये अष्टम भाव के मालिक है, गड़ी हुई चीजों को जो है उभारने का काम करेंगे, कोई धन गड़ा हुआ है या कहीं आपने पैसा फंसा दिया है वो सब रिकवर करवाने का काम करेंगे, और भाग का साथ भी मिलेगा, कर्म की जितना भी आप करोगे जितनी मेहनत करोगे उतनी आपको सफलता देने का काम करेंगे, राजनीति में भी सफलता देंगे, मान सम्मान में वृद्धि देंगे करने का काम करेंगे, आर्थिक स्थिति मानसिक स्थिति और पारिवारिक स्थिति को शनि ठीक करने का काम करेंगे। तो शनि केंद्र भाव में केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाने के कारण अच्छे अच्छे लाभ आपको देखने को मिलने वाले। तो शनि भी अच्छी है और गुरु जो है बहुत अच्छे आपके मई के महीने से रहेंगे। राहु केतु के बारे में बात करें तो राहु आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, हालांकि यहां पर जबरदस्त लाभ देने का काम करते हैं। राहु दशम भाव में राजनीति कारक है, जो लोग राजनीति के क्षेत्र में अच्छे परिणाम मिलेंगे, जो लोग ठेकेदारी का काम करते हैं, शराब या फिर अन्य क्षेत्र से जुड़े हुए कमीशन वाले काम करते हैं, राहु जबरदस्त लाभ देने का काम करते हैं। राहु यहां पर धन के लिए भी बहुत अच्छे माने जाते हैं, मान सम्मान के लिए और सोशल मीडिया के लिए भी राहु बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो राहु ये समझ जाइए कि 18 मई तक भी अच्छे परिणाम देंगे और उसके बाद जो है
और अच्छे परिणाम जो है राहु के देखने को मिलेंगे, क्योंकि राहु जो है गुरु के घर में गोचर कर रहे हैं। हालांकि दशम भाव में राहु कारक है, लेकिन गुरु के घर में गोचर कर रहे हैं और गुरु की पोजीशन मई तक उतनी बढ़िया ना होने के कारण राहु उतने अच्छे परिणाम नहीं दे पा रहे हैं जितने अच्छे देने चाहिए, लेकिन यहां पर ज्यादा दिक्कत भी नहीं दे रहे। लेकिन यही राहु जब मित्र के घर में आ जाएंगे, भाग्य के भाव में आ जाएंगे, त्रिकोण के भाव में आ जाएंगे, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। और यही राहु भाग्य भाव में किस्मत बदलता है, व्यक्ति की जिंदगी को बदलने का काम करता है, बड़े बड़े लाभ देने का काम करता है। तो स्वाभाविक है कि राहु की स्थिति आपके लिए जबरदस्त रहेगी और राहु बड़े बड़े लाभ देने का काम करेगा। तो बिल्कुल निष्फिक्र हो जाओ 2025 के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए ये साल बहुत शानदार रहेगा। केतु की बात करें तो चौथे भाव में केतु के उतने अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर एंजाइटी देने का काम करते, मानसिक टेंशन देते, माता के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते, कोई ना कोई भय बना रहता है, डर बना रहता है, तो ये स्थिति यहाँ पर केतु देता है। अब केतु जो है ये समझ जाइए कि तीसरे भाव में आ जाएंगे और ये आ जाएंगे 18 मई को, तो 18 मई के बाद केतु भी अच्छा फल देंगे। यहाँ पर केतु के जबरदस्त लाभ देखने को मिलते हैं, भाई बहनों के साथ संबंध को मजबूत करेंगे, यात्राओं का सुख देंगे, धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं, विदेश की यात्राएं कर सकते हैं, ग्रीन कार्ड बनवा सकते हैं, वीजा बनवा सकते हैं, पासपोर्ट बनवा सकते हैं, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए केतु अच्छे रहने वाले हैं। तो ये क्षेत्र आपके बहुत मजबूत रहेंगे, भाग्य का साथ भी मिलेगा, लाभ भाव में केतु की दृष्टि होने के कारण बड़े बड़े लाभ देखने को मिलेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे, इच्छाओं को पूरा करने का काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो है आपकी बेहतर स्थिति जो है मई 2025 के बाद बनने वाली। शनि भी बहुत अच्छा लाभ देंगे मई 2025 से, और राहु केतु शनि गुरु ये जो है चारों ग्रह का जो प्रभाव रहेगा ये समझ जाइए मई 2025 के बाद जबरदस्त। हालांकि उसके पहले ज्यादा नकारात्मक स्थिति नहीं है, लेकिन जो जबरदस्त लाभ जो आप चाहते हैं कि हमारा वर्ष ऐसा बीते और जो आपकी इच्छाएं वो पूरा करने का काम करेंगे। तो ये समझ जाइए कि गुरु की स्थिति भी जो है आपके लिए बेहतर है, लेकिन ये बेहतर जो है मई के बाद ज्यादा है और मई से पहले थोड़ी परेशानी वाली है। यदि सटीक जानकारी चाहते हैं और पूरी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर से व्हाट्सअप करके जो है अपॉइंटमेंट लेकर के कुंडली का विश्लेषण घर बैठे ही आप करवा सकते हैं और सटीक जानकारी 2025 के बारे में जान सकते हैं, क्योंकि महादशा और अंतरदशा को भी देखना बहुत जरूरी है। यदि महादशा और अंतरदशा आपकी खराब चल रही है तो ये जो बदलाव है ये कम बदलाव देखने को मिलेगा, और यदि महादशा अंतरदशा आपकी बढ़िया है, आपके फेवर में है, तो ये बदलाव तो 100% होना ही होना है, बिल्कुल निष्फिक्र हो जाएंगे। तो दर्शकों आज बस इतना ही, धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपने कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।